हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग करंट एनर्जी बताएगी आपके पर्सन के बारे में, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें आपके साथ रिजोनेट करेंगी और कुछ बातें रिजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रिजोनेट करती हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं करती उन्हें एक्सेप्ट मत कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के करंट एनर्जी क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसी क्या बात है जो आप बताना चाहते हो, ऐसी क्या बात है जो उन्हें खुद को भी नहीं पता है। गाइडेंस जो आप देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के लिए, मैसेजेस जो आप देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन के करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल की क्या फीलिंग्स हैं, क्या डीप फीलिंग्स हैं उनके दिल में, प्लीज बताइए यूनिवर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए उनकी एनर्जीज अभी यही दिखा रही है कि वो देखिए अच्छी स्थिति में नहीं है, ना उनका मूड अच्छा है, ना उनकी सिचुएशन अच्छी चल रही है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी इस रिश्ते के साथ उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है। कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जिनके कर्मा, मतलब जो यूनिवर्स है उनकी एक अपनी ही टाइमिंग होती है। यूनिवर्स कभी भी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं करते, हम जब जो चाहते हैं वो नहीं होता, यूनिवर्स की टाइमिंग के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। तो कभी कभी हमें किसी बुरे काम का कर्मा इंस्टेंट मिल जाता है और वही इनके साथ हो रहा है। इन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है और ये बहुत ही बुरे सिचुएशन में हैं, बुरे स्थिति में हैं। उनका ना माइंड शांत हो रखा है, ना उनका दिल शांत दिख रहा है, ना उनके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो अच्छी हो रही है। ये अपने लाइफ के जो सबसे बुरे फेज़ में अभी चल रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि वो अभी अपने लाइफ के बहुत ही बुरे फेज़ में चल रहे हैं। उन्हें ना रातों को अच्छी नींद मिल रही है, ना उन्हें ठीक से खाने पीने मिल रहा है। उनका जो खाने पीने का जो उनका जो इच्छा होनी चाहिए, एक मूड होता है, एक अंदर से एक मन होता है खाने पीने और खुश रहने का, जो उनके लाइफ में फिलहाल नहीं हो रहा है। वो बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं अपने लाइफ के और उनकी ये हालत हो गई है कि वो जो उन पे बीत रही है वो ये किसी और को बता भी नहीं सकते। उन्हें सब तरह से, सब लोगों से इतनी ज़्यादा
कह सकते हो आप धुतकारना, जो उन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को, उनकी हर एक चीज़ को इस तरीके से नेगलेक्ट और इग्नोरेंस इग्नोरेंट किया जा रहा है कि वो अब डरते हैं कि वो जो उनके मन में सच में जो चल रहा है वो किसी को कहना दे, क्योंकि उनका मजाक बन के रह जाएगा। उन्होंने अपनी ही लाइफ को मजाक बना दिया है, उन्होंने अपनी ही लाइफ की धज्जियां उड़ा रखी है। उन्हें इस चीज़ का एहसास भी है, वो ये मान चुके हैं, जान चुके हैं कि उन्होंने इतना बुरा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ किया है, इसीलिए आज उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए उनके अंदर आत्मा से रिग्रेट हो रखा है, अंदर आत्मा से गिल्ट हो रखा है, जो वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो किसी को कुछ बताने के लायक भी नहीं रहे। वो इतने ज़्यादा खौफ में हैं कि अगर वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस बात की किसी के साथ चर्चा भी कर दी तो उन्हें और ज़्यादा मुश्किलें, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बुरा फेस करना पड़ेगा। वो रात दिन ईश्वर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए ईश्वर उन्हें माफ़ कर दे। वो आज के बाद किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करेंगे, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, और वो सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करे। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, क्योंकि वो जो बुरी स्थिति से, जितनी गंदी स्थिति से, गंदी फेस से वो गुजरे हैं, उसके बाद उन्हें जो फील हो रहा है कि उन्होंने इतना बुरा किया है जिसके लिए वो आपको सॉरी बोलने आ सकते हैं, वो सोच रहे हैं। वो ये उनके दिमाग में ये सोच थिंकिंग चल रही है कि वो आपसे कांटेक्ट में आए, वो आपसे बात करें, क्योंकि वो ईश्वर से भी इसी चीज़ की भीख मांग रहे हैं कि उन्हें ईश्वर माफ़ कर दे जो भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ के आजू बाजू और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लाइक अगर वो और गर्लफ्रेंड या और बॉयफ्रेंड ना बना सके, ऐसी नहीं है। उनके इर्द गिर्द ऐसी काफ़ी चीज़ें हो रही है जिससे उनका किसी के साथ भी रिलेशनशिप चल सकता है, पर जो उनके मन में, जो उनकी अंदर आत्मा, उनका जो साया है, वो उन्हें बुरी तरीके से पकड़ के रखा है, उन्हें झंझोड़ रखा है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि उनके मन में जो आपको लेकर जो गिल्ट, जो रिग्रेट, जो रियलाइजेशन है, वो चीज़ उन्हें कोई भी अट्रैक्टिव जो चीज़ है, अट्रैक्टिव जो पर्सन है, उस के पास फुल्ली फुल कमिटमेंट के साथ जाने नहीं दे रहा। वो कंफ्यूज हो रखे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो किसी के साथ भी कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके आप चल रहे हो, उनके बैक ऑफ द माइंड आपके लिए रियलाइजेशन चल रहा है, दुख चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं, उदास हो रखे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी भी चीज़ को लेके कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उन्हें पता है कि अभी उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, करियर में आगे जाना चाहिए, उन्हें कहीं भी किसी तरीके की भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उन्हें ये पता है, पर फिर भी वो ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। और वो जहाँ भी, जिस भी अपॉर्चुनिटी को छूते हैं, देखते हैं, वो चीज़ें उनके साथ गलत ही होती है।
वो कहीं भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी उनका डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है। वो हमेशा हर डिसीजन के लिए पहले तो कंफ्यूज हो रहे हैं और उसके बाद जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। दूर से चीज़ें उन्हें बहुत ही सुनहरी, अट्रैक्टिव, अपीलिंग और ऐसे लग रहा है कि हाँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँगा, इस चीज़ में करियर वाइज आगे बढ़ूँगा या रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ूंगा। जब वो उसमें थोड़ी सी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने लगते हैं, उन्हें तुरंत रियलाइज होता है ये उनका गलत डिसीजन है, उनके डिसीजन रॉन्ग हो रहे हैं। वो किसी तरीके के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे, उनके बैक ऑफ द माइंड एक रियलाइजेशन भी चल रहा है, उन्हें बार बार उनका मन, जो उनकी आत्मा है, वो उन्हें याद दिला रही है कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, किसी के साथ बहुत बुरा किया है, तुमने जो किया था तुम तब हंस रहे थे जब वो इंसान रो रहे थे, तो अब जो ये हालत हो रही है वो तो तुम डिजर्व करते हो। ये सारी बातें उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलती रह रही है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, एक बार इस चीज़ को क्लियर करे, पर क्योंकि इतनी ज़्यादा केओस हो रही है उनके लाइफ में, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, इसीलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें क्लियरिटी की ज़रूरत है, उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने जो पास्ट में उन्होंने जो गलतियां की है, जो उन्होंने, आप कह सकते हो किसी को हर्ट करना इस काइंड ऑफ पाप, जो उन्होंने पाप किया है उस चीज़ को उन्हें ठीक करना होगा। उन्हें प्रेजेंट और पास्ट में बैलेंस बनाना होगा। अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा सकती। वहीं मिस्ट्री का कार्ड आया है, तो देखिए मिस्ट्री का कार्ड यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें उन्हें आगे बढ़नी चाहिए। एंजल का कार्ड आया है, उन्हें आगे बढ़नी चाहिए। होप का कार्ड आया है, देखिए कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं एंजल्स हैं, ये होप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो आप चाह रहे हो उसकी होप है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, पर मिस्ट्री है, ज़रूर मिस्ट्री है, क्योंकि वो जो आपको जो दिखा के वो जब आएंगे तो वो रिग्रेट होकर आएंगे, अंदर पश्चाताप लेकर आएंगे। पर अगर आप उनसे फुल कमिटमेंट, लव, ये सब एक्सपेक्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं भी मिल सकती है। ये जब वो आपके पास वापस आएंगे और आपको सॉरी बोलेंगे और रिग्रेट करेंगे, तब जाकर इस चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर वो आगे कैसे रहेंगे, उनका मकसद क्या है। क्योंकि वो फिलहाल आ रहे हैं अपनी लाइफ की जो बुरी हालत हो रखी है उसको लेकर वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें वो आपके साथ जो बुरा किए हैं उसके वजह से हो रही है, तो वो उस चीज़ को सुधारने के लिए आ रहे हैं। पर वो कितना आपके लिए डिवोट हो पाएंगे, आपको कितना प्यार दे पाएंगे, कितना प्यार करेंगे, ये सारी चीज़ें एक मिस्ट्री के तरह है, जब वो आएंगे तब पता चलेगा। देखिए वेट का कार्ड आया है, आपको वेट करना चाहिए। अगर वो आ भी जाएं और आपसे कांटेक्ट कर भी ले तो आपको वेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देखिए पास्ट एक्स की एनर्जी है, इसको रिलीज़ करना होगा। थोड़ी सी आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। देखिए वो आएंगे तब आपको टाइम देना होगा, आपको यूं ही उन पे अनरिक्वेटेड लव, यूं ही उन पे भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यस, अपॉर्चुनिटीज़ देखिए वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, किस तरीके के एक्शंस होते हैं उनके, रिलीजियस फैक्टर्स भी आएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, ये सब लेकर आए। देखिए सेपरेशन की एनर्जी भी दिख रही है, तो उनका जो मकसद है आने का, वो मकसद है आपको सॉरी बोलने का। सोलमेट की एनर्जी भी दिख रही है, देखिए आपके तरफ से एनर्जीज बहुत अच्छी है,
आपके तरफ से एनर्जीज बहुत अच्छी है, एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लेंगे, वो आएंगे आपके पास। और देखिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देखिए रिलेशनशिप को चांस देने की एनर्जी है, वो आप दोगे। वेडिंग, देखिए वेडिंग का कार्ड भी आया है, तो ओवरऑल जो एनर्जीज, देखिए मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। एक तो सेपरेशन की मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, हो सकता है वो वापस आए, और शायद आप हो जो उन्हें कह दो कि आपको अब ये रिश्ता और नहीं चाहिए, आपको ये रिश्ता और नहीं चलाना, ये हो सकता है। या फिर रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक वो आएंगे, हो सकता है वो आएंगे और आपको सॉरी बोलेंगे, और आप लोग की बात शायद वेडिंग तक, मैरिज तक जाएगी। पर जो कास्ट है, इस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर्स को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। और देखिए आपकी रोमांटिक फीलिंग भी, आप दोनों का जो रिश्ता है, वो जब वो वापस आएंगे तो हो सकता है इतने दिनों के बाद, इतने केओस, इतने सारे स्ट्रगल और दुख के बाद आप दोनों मिलो, तो मिलते ही आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन फिर से चालू हो जाए, जो आपने पहली बार जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तब आप लोगों ने फील किया था। आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक एनर्जी होती है, एक होता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करना, एक होता है एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना, वो हर किसी के बीच में होता नहीं है, पर आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो जब वापस आए तो आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन ही हो जो स्ट्रॉन्गली आप दोनों को आगे तक लेकर जा सके, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है ये मुझे सेपरेशन और रोमांटिक एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि रोमांस के आधार पर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के आधार पर बात आगे बढ़ भी सकती है, वेडिंग तक जा सकती है, सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के अंदर सोलमेट, जो एक दूसरे के सोलमेट होते हैं, वो एनर्जी आप दोनों ग्रैब कर लो। या फिर हो सकता है कि ये चीज उनकी तरफ से आपको इस चीज का रियलाइज हो कि आप अपने जो एक्स है वो एक्स है, और अब आपको अपने लाइफ में एक्स की जरूरत नहीं है, भले ही वो रिग्रेट कर रहे हैं, भले ही आप उनके लिए इतने ज्यादा दुखी हुए थे, तड़पे थे एक टाइम पर जब वो आएंगे, जब वो आ रहे हैं, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको एक्स को रिलीज करना है, अपने पास्ट को रिलीज करना है, और हो सकता है कि आप इस पर डिसाइड करो कि आप दोनों अलग हो, सेपरेट हो। ये दो एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, या तो उनके आने पर वेडिंग तक बात जाएगी, और या फिर आप ही डिसीजन लोगे कि आपको ये रिश्ता और आगे नहीं चाहिए। ये दो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप इन दोनों चीजों में से एक डिसीजन लो, वो ये सारी चीजें उनके आने पे, उनके सॉरी कहने पर ही डिसाइड होगी और आगे बात होगी। तो ये थी आज की रीडिंग, अगर आप रिजोनेट करते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।